नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9 चा मराठी हा विषय। त्यामध्ये पाहत आहे आपण रिव्हिजन करत आहे आपण पोयम नंबर 1 भेटी लागे जीवा, है ना। त्याचा फर्स्ट व्हिडिओ गेला, सेकंड व्हिडिओ पण गेलाय, आता आपण पाहत आहे थर्ड व्हिडिओ। ओके, याच्यासाठी सांगत आहे मी तुम्हाला की जसं पहिल्या ज्या व्हिडिओ मध्ये त्याला कोणाला काही समजलं असेल किंवा नसेल त्याचं आपण याच्यासाठीच रिव्हिजन घेत आहे की पुढे तुमची परीक्षा आली आहे, कोणी पाहिला नाही पाहिला त्याच्यासाठीच हा रिव्हिजनचा व्हिडिओ आहे खास। ओके, आणि तुम्हाला मी त्याच्यातले क्वेश्चन्स पण सांगत आहे की जसं कसं लिहायचं काय लिहायचं। ओके, याच्या आधी मी तुम्हाला फर्स्ट व्हिडिओमध्ये ते भेटी लागे जीवा लागे दिसी असं हे जसे होतं पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी, हे जे दोन ओळी आहे दो पंक्तियों का आपको क्या लिखना था, भावार्थ लिखना था, तो आपको कैसे लिखना है वो भी मैंने बताई थी। और ये जो पूरी पोयम है, ये पोयम किसके ऊपर आधारित है, भेटी लागे जीवा इसके कवि है संत तुकाराम महाराज। और ये किसके ऊपर आधारित है, तो संत तुकाराम महाराज का आराध्य दैवत कौन था, विठ्ठल भगवान थे, विठ्ठल पंढरपूर के विठ्ठल भगवान उनका आराध्य दैवत है। और अपने भगवान भगवान को हमको कब ना कब हमारा उनका दर्शन होता है, ये दर्शन की आस, ये उनकी आस उनके मन में लगी थी। और इसी के बारे में ये जो दर्शन उन्होंने, वो कैसी उनकी राह देखते हैं, कैसी राह देखते हैं, और उन्होंने कैसे कैसे दृष्टांत दे के यहाँ पे बताया कि उन्होंने ऐसे दृष्टांत, मतलब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल पहला जो दिया था उन्होंने कि भेटी लागे जीवा लागली सी आस वाट पाहे रात्र दिवस वाट तुझी, ये जो पंक्ति थी उसमें क्या बताया था उन्होंने कि हे भगवंता हे विठ्ठला तू तेरे दर्शन की मुझे क्या लगी है, आस लगी है, मुझे ऐसी तीव्र इच्छा है कि मुझे आज तेरा दर्शन कब होता है कब नहीं, ये उनके मन की भावनाएं थे, है ना। उसके बाद सेकंड में उन्होंने किया कि पूर्णिमेचा चंद्र, उन्होंने उदाहरण कैसे दिए कि पहले इसमें उन्होंने बोला कि मुझे क्या है तेरे दर्शन की, तुम्हारे दर्शन की मुझे आस लगी है, तेरे नहीं तुम्हारे दर्शन की मुझे आस लगी है, ओढ़ लगी है मुझे आपके दर्शन कब होते हैं कब नहीं है भगवंता, मुझे एक बार तो भी दर्शन दो, ये प्रार्थना ये विनवनी वो किसको करते हैं, विठ्ठल भगवान को करते हैं, मीन्स पंढरपुर के आराध्य दैवत को करते हैं। ये जितने भी वारकरी संप्रदाय है, संत तुकाराम महाराज वारकरी संप्रदाय के है, ये जितने भी वारकरी संप्रदाय है ये सभी ज्ञानेश्वर महाराज को सबसे ज्यादा जानते हैं और विठ्ठल भगवान को, है ना। विठ्ठल भगवान इनका आराध्य दैवत है, जैसे हमारे सबके अलग अलग कुल दैवत रहते हैं, है ना, सेम वैसा ही उनका आराध्य दैवत, या बोलो या कुल दैवत बोलो तो भी वो विठ्ठल भगवान है। मतलब पंढरपुर में एक तो भी बार हमारा उस हम उस मंदिर में जाना ही चाहिए ऐसा बोलते हैं। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि मैं आपकी रात दिन रात करके आपकी राह देख रहा हूँ कि मुझे आपका कब दर्शन होगा। इसके बाद सेकंड इसमें क्या बताया उन्होंने कि पूर्णिमेचा चंद्र चकोरा जीवन जैसा तैसे माझे मन वाट पाए। उन्होंने उदाहरण दिया, कौन सा उदाहरण दिया कि जैसे पूनम का जो चांद है, वो पूनम का चांद जैसे महीने में एक बार आता और उसकी वो राह देखता है, वो चकोर पक्षी वो जो राह देखता है, राह देख देख के उसका मन कैसा उतावल होता है, ऐसा लगता है उसको कि कब पूनम आती है और कब मैं वो आकाश सॉरी चंद्र के किरण पीता हूँ, ऐसे उनकी मतलब उसकी जो मन की व्यथा होती है कि मुझे कब पूनम आएगी और कब मैं चंद्र की किरण पीऊंगा, ये एक भ्रामक कल्पना है। चकोर पक्षी चंद्र के किरण पी के जीता है करके ऐसा एक भ्रामक कल्पना है, पर ऐसा ही मतलब जैसा चकोर पक्षी पूनम की रात के लिए पूनम का चांद के लिए राह देखता है, ऐसा राह देखता है उतावली होकर राह देखता है, उसको ऐसा लगता है कि कब पूनम की चांद आए कब मैं उसका ये करूँ चंद्र किरण पी या प्रकाशित करूँ। तो वैसे ही जैसा चकोर पक्षी पूनम के
चंद्रमा की राह देखता है, वैसे ही मैं आपके दर्शन की क्या कर रहा हूँ, दिन रात राह देख रहा हूँ। तैसे माझे मन वाट पाहे, हे भगवंता, हे विठ्ठला, हे पांडुरंगा, मैं आपको दर्शन की, मैं आपके दर्शन की आस लगाए बैठा हूँ। और वैसे जैसे चकोर पक्षी अपने पाय की पूनम के चांद की जैसे आस लगा के बैठा है, सेम वैसे ही स्थिति मेरे मन की भी है, मैं भी आपकी ऐसी ही राह देख रहा हूँ। कब आप मुझे मिलते हो और कब नहीं, ऐसा मेरा भी मन हुआ है। ओके, ये हुआ था। उसके बाद थी हमारी थर्ड, जो इसलिए मैं सारांश ले रही हूँ अभी कि एक आध बार मान लो किसी ने अच्छे से तो समझ ही दिया मैंने, पर और एक बार इसलिए रिकॉल करती हूँ, आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, उसके बाद था उन्होंने फिर और दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत दिया, कि दिवाळीच्या मुळी लेकी आसावली पहातसे वाटोली पंढरीची। जैसी एक सासरवासी, मतलब जैसे अपने मायके से शादी होके जब वो ससुराल जाती है तो पहले जैसे वो दिवाली का सन आता है उसकी, जो वो जैसी राह देखते कि कब दिवाली का सन आया, कब मैं अपने मायके में मिलने जाऊँ, कब मुझे भाई लेने आएगा, कब मैं अपने मायके में जाऊँ, क्योंकि नए नए शादी में ऐसा होता ही है। तो वैसे ही जैसे नववधू अपने मायके जाने के लिए एक ऐसी राह देखती है दिवाली के सन का, सन एट मीन्स त्योहार का, जैसे दिवाली के त्योहार का वो जैसी नववधू राह देखती है कि कब मैं ससुराल से अपने मायके में जाऊंगी और कब मैं अपने मायके वालों को मिलूंगी, ये जो उनकी उत्सुकता रहती है मिलने की, जाने की, है ना, कब आता है दिवाली कब नहीं, ये जो उसकी मतलब वो चालू रहती है कि कब मुझे दिवाली का सन आएगा, कब मैं अपने मायके के लोगों को मिलूंगी, ये जो उनकी उत्सुकता रहती है, ये जो उसके मन की व्यथा रहती है, वो जो उसके उसके प्रति उनका मन व्याकुल होता है कि मुझे कब मेरा भाई आंखों से दिखेगा, कब मैं अपने माँ बाप को देखूंगी, कब मैं अपने ये करूंगी, ये जो उनके मन की जैसी व्यथा रहती है, सेम वैसी ही व्यथा हे पांडुरंगा, हे भगवंता, मेरे भी मन की है कि जैसी नववधू अपने मायके जाने के लिए क्या करती है, व्याकुल होती है, वैसी ही मनस्थिति मेरे मन की भी हो गई है, वैसी ही स्थिति मेरे मन की हो गई है कि हे पांडुरंगा, तू मुझे ऐसी ही राह मैं आपकी देख रहा हूँ। कि जैसे नववधु क्या करते दिन गिनती है, सेम वैसी ही स्थिति मेरे भी मन की हो गई, मैं भी आपकी राह की, आपके दर्शन की क्या देख रहा हूँ, राह देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गिन रहा हूँ, दिन रात आपके आपकी राह देख रहा हूँ, मैं एक एक दिन मैं गिन रहा हूँ कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब मिलेंगे, कब मैं उनका चरण स्पर्श करूंगा, कब मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा, कब मुझे फुर्सत होगी, कब मुझे भगवान लेने आएगा, ऐसे यानी भगवान मुझे मेरे चरणों पे ले जा, ऐसा अपन बोलते हैं ना कि कब मेरा हो जाएगा, कब होगा, ये जो उनकी मन की व्यथा है। जैसे कैसी मन की व्यथा है, जैसी एक सासरवासिनी अपने मायके जाने के लिए आसुक होती है, व्याकुल होती है, वैसे ही संत तुकाराम महाराज अपने भगवान को, विठ्ठल महाराज को देखने की क्या हो गई, व्याकुल हो गए थे। उसके बाद है हमको फिर उन्होंने दृष्टांत दिया कि भुकेला बाळ, भुकलीवा बाळ अतिशोभ करे वाट पाहे अरकुरी माऊलीची। म्हणजे एखादा छोटा बच्चा रहता है, उसको बोलना आता नहीं है, बड़े तो मांग लेते हैं पर छोटे बच्चों को बोलना आता नहीं है, तो वो अपने मम्मी का मन आकर्षित करने के लिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ तो भी खाने को दो, मुझे दूध दो या जो भी, तो वो जो अपने मन की अपने मम्मी का मन आकर्षित करने के लिए जम जम से रोता है, ऐसा रोता है कि चार घरों को आवाज जाता है, मतलब ऐसा जी जान लगा के वो बच्चा, छोटा बच्चा रोता है ताकि उसकी मम्मी उसके पास दौड़ के आए और मतलब उसको उठाए या कुछ खाने को दे, और उसके मम्मी को भी ये ज्ञात हो कि मेरे बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चों को क्या लगी है, भूख लगी है। तो सेम जैसी माँ अपने बच्चे के लिए केयर करती है, वैसे ही विठ्ठल भगवान
भी क्या है, मेरी एक माँ है और माँ अपने बच्चे की व्यथा देख नहीं सकता। हे भगवान दा, तू भी मेरी मन की व्यथा समझ ले और मुझे एक बार मुझे तेरे दर्शन की जो आस लगी है, मुझे कब दर्शन होगा ऐसी मेरी मन की व्यथा हो गई। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के रो 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 के बताता है कि मुझे भूख लगी है, सेम वैसी ही मेरी मन की भी स्थिति हो गई। मेरा भी मन उतना ही व्याकुल है, उतना ही मैं आक्रोश कर रहा हूँ कि मुझे आपके दर्शन कब होंगे, कब मुझे अपने दर्शन की छाया में आपके दर्शन मुझे मिलेंगे करके। ओके, वाटपा है उरी माउली जी। माउली मीन्स क्या होता है, माता। अने विठ्ठल भगवान को उन्होंने माउली की उपमा दी है, यानी मैं क्या हूँ, तेरा बच्चा हूँ और तू मेरी माता है, ऐसा उन्होंने भगवंत को बोला गया है। अब लास्ट का ये था हमारा, हमने अभी तक का जो वीडियो आपको दिए रिवीजन के, ये हमारा ये अभी तक का हुआ। इसके बाद जो आज का था, मतलब आज के दो लाइन ऐसी है, तुका मने मज़ लागे लिसी भूख धावने सी मुख दावी देवा। देखिएगा, तुका मने मज़ देखिएगा, तुका मने मज़ लागे लिसी भूख धावने सी मुख दावी देवा। अने हे भगवंता, मुझे तेरे हे तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि हे भगवंता, हे विठ्ठला, मुझे ऐसी भूख लगी है। काय की भूख लगी है, खाने की लगी क्या? नहीं, उनको काय की भूख लगी है कि कब मैं दौड़ के आपका श्रीमुख दिखता हूँ। श्रीमुख मीन्स होता है उनका चेहरा। मुझे ऐसी भूख लगी है भगवंता, मुझे ऐसे आपकी भूख लगी है कि मुझे क्या देखना है, आपका श्रीमुख देखना है। इट मीन्स आपका चेहरा मुझे देखना है। ओके, अरे भगवंत को जो विनोनी करने वाले हैं कौन? संत तुकाराम महाराज। तो संत तुकाराम महाराज को कोई खाने की भूख नहीं लगी है, उनको भूख लगी है उनके दर्शन की भूख लगी है। अब मुझे क्या कर तू, हे भगवंता, मुझे तेरी दर्शन की भूख लगी है, अब तू मुझे दौड़ के आ और अपना श्रीमुख दिखा, इटमीन्स अपना चेहरा दिखा। हे भगवंता, ऐसी विनोनी वो करते हैं कि हे भगवंता, हे विठ्ठला, कि मुझे क्या कर, ऐसे मुझे भूख लगी है अभी कि तेरे दर्शन मुझे कब होते हैं, तेरे दर्शन मुझे कब मिलते हैं, कब मैं अपने भगवान का चेहरा देखता हूँ, ऐसी उनकी मन की स्थिति हो गई है। यानी और इसीलिए तू क्या कर, दौड़ के आ और मुझे अपना चेहरा दिखा। ये भगवंत अपने, ये तुकाराम महाराज अपने भगवान को क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं कि हे भगवंता, तू मुझे अपना चेहरा दिखा और चेहरा दिखा के क्या कर, मुझे अपना श्रीमुख दिखा, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की क्या लगी है, भूख लगी है, मुझे आपके दर्शन की भूख लगी है। ऐसे कौन बोलते हैं? संत तुकाराम महाराज। किसको बोलते हैं? विठ्ठल महाराज को। ओके, ये हुआ, मतलब हमने जो अभी तक के प्रत्येक उदाहरणातून काय सांगत आहे ते, कि मला जसं आई आपल्या बाळाला हे करते, तसंच म्हणजे बाळ रडलं की त्याची काय करते, त्याच्याजवळ जाते, त्याला घुसळते, त्याला खाऊ पिऊ घालते, तर का, कारण तिला त्याची केअर असते। तसंच मी सुद्धा तुझं लेकरू आहे, मी सुद्धा तुझं लेकरू आहे, तू माझी माऊली आहे, तू माझी आई आहे, तुझा तुला सुद्धा माझी, मला कशाची भूक लागली आहे, मला तुझ्या दर्शनाची भूक लागली आहे। हे भगवंता, मला तुझ्या दर्शनाची भूक लागली आहे आणि हे दर्शन मला काय कर, तू माझ्यासाठी धावते। हे पांडुरंग आहे, हे भगवंता, तू माझ्यासाठी धावते आणि काय कर, मला तुझा चेहरा पाहू दे आणि मला हा चेहरा पाहण्याची स्मृती काय राहिली आहे, मला
भूक लागली हे भगवान ता मला एकदा तरी म्हणजे तुझं दर्शन होऊ दे. ओके समजलं. हे हुई थी हमारी पूरी पोयम. ओके पूरी पोयम. पूरी पोयम में हमने जो जितने मतलब जितने स्टैंजे थे जितने सॉरी जितने लाइन थे वो सब हमको आपको बताई हूँ मैंने. अभी ये अभी हो गई. इसमें जब जैसे तुम्हारा पेपर पैटर्न में और एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि कैसा क्या होता है पेपर पैटर्न, है ना. जैसे 8 तक के आपके जो पेपर हुए वैसे पेपर नहीं होते आप लोगों के. आप लोगों का पेपर का ढांचा थोड़ा सा चेंज रहता है स्टेट बोर्ड का और सॉरी स्टेट बोर्ड बोल रही मैं सीबीएसई भी वैसा ही ये करते हैं क्या बोलते हैं वैसा ही ढांचा होता है. ओके सो अभी आपको ये दो पोएम समझ में आई होंगी. ओके तो जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न हम क्या करेंगे ये आपको पोएम तो समझ में आई होंगी ना और ऐसा ना आए होंगे ना. इसके थोड़े से हमने जैसे देखो हम एक बार उसका जो पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है आपको आप देखिएगा. इसमें देखो ये कोष्टक दिया है ना. ये कोष्टक देखिएगा आकलन है ना आपको बुक्स में है पीछे में देखिएगा. कोष्टक पूर्ण करा वाट बघणारा कोणाची वाट बघतो आणि वाट बघण्याचे कारण. अब देखो पहला दिया उन्होंने चकोर. अब चकोर वर्षी किसकी राह देख रहे थे पूनम के चांद की और चंद्र किरण ये त्याचे जीवन ये बघण्याचे कारण था. उसके बाद दिखा है यहाँ पे कोणाची वाट पाहत इसमें दिया है माहेरच्या बोलवण्याची. कोण कोण राह देख रहा है मारा अरे माहेर के बोलवणे का तो मुलगी यानी लेक. फिर माहेरचे किसके लिए देख रही थी वो राह किसके लिए राह देख रही वो कि किसके लिए कि दिवाली के सन में क्या करेंगे दिवाली के त्योहार में उसको कहा जाना है मायके जाना है. मीन्स सपन मराठी में ऐसे लिखेंगे लिखेंगे कि दिवाळीच्या माहेरा जायचा जायला मिळते म्हणजे दिवाळीच्या सणाला मुलीला माहेरला जायला मिळते. त्याच्यानंतर आहे थर्ड पहा भुकेला बाळ. भुकेला बाळ कोणाची वाट पाहते आईची आणि काय काय कशासाठी वाट पाहते तो की त्याला काही खायला मिळालं पाहिजे म्हणून तो वाट पाहते. त्याच्यानंतर आहे कोणाची वाट पाहते इथे लिहिलं आहे पांडुरंग. तर पांडुरंगाची वाट कोण पाहत आहे संत तुकाराम महाराज. किसलिए देख रहे हैं कि उसका उनका जो श्रीमुख है उनके जो दर्शन है दर्शन उनको मिलना चाहिए ऐसे इसके लिए वो क्या कर रहे हैं राह देख रहे हैं. यानी ये जो पोस्टर है मतलब पूरी क्योंकि पोएम के इसमें जैसे पैसे पोएम पूरी आती है उसमें से ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं. और एक रहता है 8 मार्क का क्वेश्चन रहता है पोएम में. तो 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक जैसे ही आपके पोएम का मतलब सेकंड जो रहेगा उसमें बता दूंगी कि कैसा क्या होता है करके. ओके पहले हम 8 मार्क का क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे कि कैसा लिखते हैं. मैंने अभी तो आपको नहीं समझाई. ओके पर अभी इसके बाद समझा दूंगी कि कैसे क्या लिखते हैं. ये जो हर मतलब हर पद्य विभाग का आपको 8 मार्क का क्वेश्चन जिसका रहता और 8 मार्क का अलग रहता है. ओके तो ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन है ये तो कंपलसरी रहता ही रहता है आपको. तो ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं. अभी पहले बहुत थे पर अभी बहुत कम किए. अभी सिर्फ 6 ही पॉइंट देते हैं. पहले 10-12 पॉइंट रहते थे पर अभी उन्होंने कट करके 6 ही पॉइंट रखे. तो 6 पॉइंट हम आपके अगले वीडियो में क्या करेंगे विश्लेषण करेंगे. ओके सो बाय बाय हैव अ नाइस डे.